देखिए क्वेश्चन लिए, मिस्टर ए विथड्रॉ 6,000 पर मंथ फॉर 12 मंथ फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंसेस बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। फिर से समझिए क्वेश्चन को। मिस्टर एक्स हर महीने 6,000 रुपये करके 12 महीने तक बिजनेस से अपना व्यक्तिगत खर्च, पर्सनल एक्सपेंसेस मतलब निजी खर्च के लिए, तो निजी खर्च को ही ड्रॉइंग्स बोलते हैं, 6,000 पर मंथ करके 12 मंथ तक निकाला है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ को लिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स फॉर्मूला ही है ना, इनटू रेट बाय 100 इनटू 6.5 बाय 12 होगा। टोटल अमाउंट कितना होगा बेटा, 6,000 पर मंथ है इनटू 12 मंथ, तो दैट इज नाउ 72,000 हो गया, इनटू रेट इज 10% गिवन इन योर क्वेश्चन इज 10% एंड बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, तो 6.5 बाय 100 12 होगा, सॉरी 12 होगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन में क्या हो गया, फिर से समझिए, मिस्टर ए जो है 6,000 रुपये प्रति माह करके 12 महीना तक निकाल रहे हैं, बिगनिंग ऑफ द मंथ, बिगनिंग मतलब फर्स्ट डे ऑफ मंथ एवरी मंथ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10% है, तो हम लोग फॉर्मूला क्या बोला, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 6.5 बाय 12, तो टोटल अमाउंट 6,000 महीना निकला, तो 12 महीने में कितना निकला 6,000 इंटू 12 दैट इज 72,000, रेट कितना है 10% है 10 बाय 100, और फॉर्मूला क्या बोलता है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ मतलब 6.5 बाय 12, तो 6.5 बाय 12 की है। अब देखिए कट जाएगा, अब काट दीजिए, ये भी कट गया, तो आपका कितना अमाउंट होगा ड्राइंग्स का इंटरेस्ट 3,900 होगा। फिर से समझिए, मिस्टर ए ने 6,000 रुपये प्रति माह करके 12 महीने तक विड्रॉ किया है पर्सनल एक्सपेंसेस मतलब ड्राइंग्स के लिए, बिगनिंग ऑफ द एवरी मंथ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा 10% है, तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आपका कितना, फॉर्मूला क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू बिगनिंग ऑफ द मंथ है, तो 6.5 बाई 12 होगा, और दिस वन इज आपका कितना होगा 6,000 इंटू 12 मंथ 72,000, रेट इज 10% गिवन इन योर क्वेश्चन 10% 10 बाय 100 एंड दैट इज फॉर्मूला एडेड 6.5 बाय 12 इन बिगनिंग ऑफ द मंथ, सो योर इंटरेस्ट विल बी 3,900 होगा। ये आपका एक क्वेश्चन छोटा सा आ सकता है, 2 नंबर 3 नंबर का, देखिए हर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं भी हो सकता है, यदि कोरोना डाउन हो गया और ऑफलाइन क्लासेस होने लगी तो परीक्षा भी ऑफलाइन होगा, तब ओएमआर सीट पर नहीं होगा, तब आपको जैसा होता था पहले वैसा होता, अभी तो कोरोना काल में एग्जाम ही नहीं हुआ, आप लोग को 11th का बेस पर पास कर दिया गया, तो नहीं सीखिए, क्योंकि बेटा देखो आगे जब आप बीकॉम करोगे एमबीए करोगे तब आपको ये सब चीज बहुत काम आएगा, क्योंकि बेस मजबूत रहेगा तभी आगे बढ़ पाओगे। देखो नॉलेज मेरिट नेवर फेल्स, यदि आपके पास नॉलेज है आप कभी नहीं हार सकते हैं, इसलिए मस्ट गेन नॉलेज, और इसलिए आपको हम एकदम बच्चा जैसा पढ़ा रहे हैं डिटेल्स में, एकदम यू आर ए 12 स्टूडेंट बट लाइक ए चाइल्ड, हम आपको उस तरह पढ़ा रहे हैं कि आपको एकदम एकदम सिंपल करके पढ़ा रहे हैं, आप इसको समझिए, नहीं समझेगा आप ऑनलाइन में हमसे डाउट पूछेगा, आपको कहीं प्रॉब्लम होगा आपको फिर हम ऑनलाइन में हम आपसे क्लियर कर लेंगे, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिए प्रैक्टिस करते रहिएगा कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे फर्स्ट डे हो गया इसी तरह एक लास्ट डे का क्वेश्चन बता दे रहे हैं, उसके बाद मिडिल वाला आप लोग बुक से देख के बना लीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का इस तरह का कैलकुलेशन होता है, ये आपको रखना होगा, और ये वीडियो को भी रखना होगा, बुक कॉपी में भी आप लिख के रखिए फॉर्मूला सब, और बनाइए देखिएगा बनेगा, ठीक है।